हाय गाइस व्हाट्सअप कैम छो मजा मत दिस इज परिल पटेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं हमारे वैक्सीनेशन के लिए और 9 बजे हमारा टाइम है और हम 8:33 हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो हाय रे मेरा सोना मेरा मोना कितना गंदा हो गया रे तू। चलिए फाइनली दोस्तों हम वैक्सीन लगा के आ चुके हैं और वैक्सीन की प्रोसेस बहुत ही अच्छी थी। पहले जाके हमें टोकन लेनी होती है, वो टोकन में जो नंबर होता है वो लाइन में जाना है और उसके बाद वो अपना सीक्रेट कोड OTP जो आता है वो रजिस्टर करते हैं। उसके बाद हमें अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर लिखवाना है, उसके बाद हमें वैक्सीन लगती है और उसके बाद हमें 5 घंटे तक सर्वेलेंस में रखा जाता है ताकि हमें कुछ हो जाए तो अर्जेंट सर्विस दे सके। और उसके बाद दो टैबलेट देते हैं, फर्स्ट खाने के बाद और दूसरी रात को खाने के बाद पीनी होती है। और वैक्सीन लगाने की प्रोसेस भी बहुत अच्छी थी, सही सलामत सब कुछ हो गया और किसी को धक्का मुक्की करने की कुछ ज़रूरत नहीं हुई। हमें पर्सनली बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि वैक्सीन छोड़ा में लगी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट्स ऑफ होता है, लेकिन हाथ में लगे तो हड्डियों में लग जाएगा ऐसा डर लगता था हमें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आराम से पता भी नहीं चला वैक्सीन कैसे लग गई और अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमने दोस्तों जोलो चिप्स चैलेंज कर लिया है तो ये वैक्सीन लगाना तो कुछ बड़ा काम नहीं है अबे साले, तो हमें तो कुछ भी नहीं होगा, तो देखते हैं क्या होता है। अगर हमें कुछ हुआ तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, थैंक यू। तो दोस्तों वैक्सीन के 10 कलाक के बाद हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी पे पूरा भरोसा है कि हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारी मॉम को फीवर आना स्टार्ट हो गया है और पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और सभी के सभी जॉइंट्स पे बहुत पेन हो रहा है। 10 घंटे में ही वैक्सीन ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया है। 24 hours later तो दोस्तों वैक्सीन लगाने के 10 घंटे बाद हमें फीवर आना स्टार्ट हो गया था और हेडेक भी स्टार्ट हो गया था और पूरी रात हमें नींद नहीं आई थी क्योंकि हेडेक ही इतना था कि आँख बंद करने चाहता था और बहुत जोर से हेडेक स्टार्ट हो जाता था। वजह से पूरी रात सो नहीं पाया और उसके अगले दिन मैंने वो दवाई पी ली थी और उसके बाद फीवर तो चला गया था लेकिन हेडेक 2 दिन तक रहा था। उसकी वजह से मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाया और कुछ भी कर नहीं पाया और जिस हाथ में ये वैक्सीन लगाई थी वो हाथ से मैं 2 दिन तक कुछ भी नहीं उठा पाया था और वो मसल भी बहुत पेन कर रहा था। तो अभी सब कुछ ठीक हो गया है फाइनली। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू, लव यू।